Today's lecture is Future Simple. आज हम पढ़ने वाले हैं Future Simple के बारे में. Future Simple, Non-Action और State. इसका Present Simple और Past Simple तो हम already पढ़ चुके हैं. I am teacher, मैं teacher हूँ. I was teacher, मैं teacher था. I have a pen, मेरे पास pen है. I had a pen, मेरे पास pen था. तो एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा recall कर लेते हैं past को. सबसे पहले मैं कह रहा था आपको, मैंने आपको समझाया था कि English में verb जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. इंग्लिश में मैं आपको समझा रहा था कि इंग्लिश में जो वर्ब होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है एक्शन वर्ब, जिसमें फिजिकली काम होता है, और एक्शन वर्ब जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं, बहुत सारे होते हैं. और एक मैंने आपको समझाया था कि एक होता है स्टेट वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब, यानी उसी का ऑपोजिट नॉन एक्शन. इसमें एक्शन नहीं होता नॉन एक्शन में, बल्कि दो चीज़ें बताई जाती हैं. स्टेट, स्टेट के एक मीनिंग है कंडीशन और दूसरे मीनिंग है स्टेट के प्रॉपर्टी. यानी नॉन एक्शन वर्ब जो है ये नॉन एक्शन वर्ब या स्टेट वर्ब, ये दो चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, कंडीशन या प्रॉपर्टी. फिर कंडीशन की फर्दर एक्सप्लेनेशन है, फिर प्रॉपर्टी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है. बट ऑल इन ऑल, कलेक्टिवली, ऑन द होल, टोटल क्या बात करते हैं कंडीशन और प्रॉपर्टी की. तो दो वर्ब होते हैं, एक होता है एक्शन वर्ब जिसमें बहुत सारे वर्ब हैं, अनकाउंटेबल हैं, और फिजिकली हम काम को परफॉर्म करते हैं. दूसरा होता है नॉन एक्शन वर्ब, जिसमें हम फिजिकली काम को परफॉर्म नहीं करते बल्कि कंडीशन और प्रॉपर्टी बताते हैं. तो चलें, हम यही नॉन एक्शन और स्टेट वर्ब कुछ दिन से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला लेक्चर प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, दूसरा पास्ट सिंपल पढ़ा, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर सिंपल. वैसे ये स्टेट वर्ब या नॉन एक्शन होते ही छः हैं. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट. यानी सिंपल वाले सारे टेंस उनके स्टेट वर्ब बनते हैं, परफेक्ट वाले सारे टेंस उनके भी स्टेट वर्ब बनते हैं. तो हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, पास्ट सिंपल पढ़ा, अब हम आ गए हैं फ्यूचर सिंपल के ऊपर. तो फ्यूचर सिंपल नॉन एक्शन या स्टेट क्या बात करता है भाई? प्रेजेंट सिंपल बात करता था प्रेजेंट की कंडीशन और प्रॉपर्टी, फ्यूचर पास्ट सिंपल बात करता था पास्ट की कंडीशन और प्रॉपर्टी. तो ऑफकोर्स फ्यूचर सिंपल क्या बात करता होगा? अगर फ्यूचर सिंपल एक्टिव की बात की जाए, नॉर्मल टेंस की बात की जाए, तो वो कैसे होता था? वी यूज इट फॉर फ्यूचर एक्शंस. हम फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर एक्शंस के लिए. कैसे बोलते थे? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फ्यूचर के जितने भी टेंसेज हैं उनमें सबसे अहम क्या है फ्यूचर सिंपल का? ये फ्यूचर सिंपल सबसे ज़्यादा अहम है. अगर आप मुझसे पूछें कि सर फ्यूचर के जितने लेक्चर में सबसे अहम कौन सा है, मैं बोलूँगा फ्यूचर सिंपल, यानी विल वाला. जैसे अभी आप यहाँ से जाके क्या क्या करेंगी? आई विल, या आई विल गो होम, यस आई विल टेक शावर, आई विल टीच माई किड्स, देन ओके, देन I will study. Okay, what will you do after going from here? Yeah, I will go university. Yes. I will take class. Yes. I will come out to lecture. Yeah. Then I will go back to home. Okay. I will take rest. Okay. I will take shower. Yes. Okay, what will you do after going from here? I will go home. Yeah. And I will sleep. Yeah. Yeah. And maybe I will play football. Okay, maybe I'll play football. This is all about I will, future actions. ये आप अभी मुझे बता रहे थे normal tense future का, बड़ा ही आसान होता है. Subject, will, verb, first form, object. ये होता है ना normal future simple. Subject, will, verb, first form, object. किस लिए इस्तेमाल होता है भाई? Future actions के लिए इस्तेमाल होता है. I will go home, I will play cricket, I will sleep, I will enjoy, I will meet my friends, सारे future actions थे. इसी तरीके से यही future simple का ये जो action है, इसी तरीके से इसका non-action है. Non-action है इसका. Non-action कैसे बनता है भाई? We use it for state of future. हम इस future की, future actions नहीं, बल्कि future की क्या बताते हैं? State, condition और property इस lecture के अंदर. फ्यूचर के एक्शंस नहीं बताते क्योंकि ये तो है ही नॉन एक्शन, इसलिए फ्यूचर की कंडीशन और प्रॉपर्टी बताते हैं. कैसे बताते हैं? सेम फॉर्मूला. सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट था. विल, यहाँ भी विल है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म थी. ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है. बस फर्क क्या है? ये वर्ब जो है यहाँ पे जो है ये वर्ब था एक्शन वर्ब. आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल राइट लेक्चर, आई विल गो मार्केट, ये था.
और यहां पे जो वर्ब है वो है स्टेट या स्टेट या नॉन एक्शन वर्ब. ये फर्क है. नॉन एक्शन वर्ब या स्टेट वर्ब क्या होगा फ्यूचर सिंपल के लिए? सिर्फ दो होंगे, कंडीशन के लिए बी और प्रॉपर्टी के लिए हैव. कंडीशन के लिए बी होगा, प्रॉपर्टी के लिए हैव होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, तो क्यों यूज करते हैं फ्यूचर सिंपल एक्शन हम यूज नॉन एक्शन फ्यूचर सिंपल नॉन एक्शन हम यूज करते हैं? वी यूज इट फॉर स्टेट ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की कंडीशन और प्रॉपर्टी बताने के लिए. समझ आ रही है बात? बड़ा इजी लेक्चर है. जैसे आप कह रहे थे मैं टीचर हूं, आई एम टीचर, मैं टीचर था, आई वॉज टीचर, इसी तरीके से ये फ्यूचर में जाएगा, फ्यूचर की कंडीशन और प्रॉपर्टी बताएंगे तो क्या यूज होगा? फ्यूचर सिंपल नॉन एक्शन. मैं टीचर होऊंगा, आई विल बी अ टीचर. मैं टीचर होऊंगा, कब होऊंगा भाई? फ्यूचर में. फ्यूचर में अभी नहीं है, अभी होते तो कहते आई एम टीचर. तो इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट. विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल अ टीचर. इसमें ये बी क्या चीज है? बी सबसे अहम, ये बी है वर्ब फर्स्ट फॉर्म. वो याद है ना चार्ट जो मैंने आपको लिखवाया था कि बी इज एम आर हैव और हैज, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? नॉन एक्शन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वॉज वर हैड, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म. बीन और हैड, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म. ऊपर वाले हैं कंडीशन के लिए और नीचे वाले हैं प्रॉपर्टी के लिए. अच्छी तरीके से इस मैप को याद करना है एट एनी कॉस्ट. ये वर्ब सेकंड फॉर्म, ये वर्ब थर्ड फॉर्म. तो I will be a teacher, मैं टीचर होऊंगा. ओके, He will be in Lahore, वो लाहौर में होगा. वो लाहौर में है, He is in Lahore. वो लाहौर में था, He was in Lahore. वो लाहौर में होगा, He will be in Lahore. They will be in trouble, वो परेशानी में होंगे. Trouble का मतलब क्या है? परेशानी, trouble. और trouble maker, परेशानी खड़ी करने वाला, मसले खड़े करने वाला, trouble maker. He is a troublemaker. She is a troublemaker. Who is troublemaker? Yes. Pupo is a troublemaker. Yes. Pupo is a troublemaker. Why you are so against the Pupo, everyone? I have one Pupo, and I call her boss. Yeah, she is very nice. She is away, London. She is in London. That's why. No. That's why. No. She is very kind. That's why, you know. She has helped a lot of people. That's why, you know, I have only one Pupo and she is away. Yes, she comes here after every 5 year. After every 5 years, she come here in Pakistan. That's why. Only one Pupo. Yeah, you have a lot of, and they are the troublemaker. But my Pupo is not a troublemaker. That's why I call her boss. Yes. Anyway, so what I was saying. He will be in Lahore. They will be in trouble. वो परेशानी में होंगे. तो ये सारी बात हो रही थी कंडीशन की. प्रॉपर्टी में जाएगा तो I will be की जगह have आ जाएगा. I will have a car. मेरे पास कार होगी. मेरे पास कार है, I have a car. मेरे पास कार थी, I had a car. मेरे पास कार होगी, I will have a car. He will have degree. Let's suppose I say Hassan is going to the university and sooner or later, आज नहीं तो कल. Sooner or later, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी. Sooner or later, he will have degree. आज नहीं तो कल, इनके पास degree होगी. इनके पास degree है, he has degree. इनके पास degree थी, he had degree. इनके पास degree होगी, future property. He will have degree. Subject, helping verb, object. For example, what is this have? Verb first form. असल चीज़ है verb. ये देखे ना verb first form have. यही मैंने कहा था ना have. Have property के लिए, be condition के लिए, be condition के लिए. They will have knowledge. उनके पास knowledge होगी. उनके पास knowledge है, they have knowledge. उनके पास knowledge थी, they had knowledge. उनके पास knowledge होगी, they will have knowledge. So when we talk about condition and property of future, we have to use future simple non-action. Very simple. आप कहते हैं 2 साल बाद मैं दुबई में होऊंगा. After 2 years, I will be in Dubai. 2 साल बाद मेरे पास driving license होगा. After 2 years. I will have driving license. Okay.
एक साल बाद मैं यूएसए में होऊंगा. आफ्टर वन ईयर ना आई विल बी इन यूएसए. आफ्टर वन ईयर आई विल बी इन यूएसए. ओके, एक साल बाद मेरे पास गाड़ी होगी. ओके, एक साल बाद मैं खुद गाड़ी होऊंगा. I will be a car. That's it for today. A short lecture. Please make sentences.